नमस्कार दोस्तों, आइए मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है, इसलिए भगवान शिव के भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बेल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। कुछ शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए बेलपत्र पेड़ भगवान शिव का अति प्रिय माना जाता है। जैसे तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसी प्रकार बेलपत्र पेड़ में माता पार्वती का वास होता है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ कि क्या बेल के पेड़ के नीचे कब हमें दीपक जलाना चाहिए, बेल वृक्ष की पूजा कैसे करें, बेल का पेड़ अगर आपको लगाना है तो किस दिशा में लगाना चाहिए, बेल वृक्ष की पूजा कैसे करें, किस दिन लगाना चाहिए, बेल के पेड़ को किस दिशा में लगाना चाहिए, बेल पत्र तोड़ने का नियम और बेल पत्र को कब नहीं तोड़ना चाहिए, तो इन सभी की जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें। तो सबसे पहले है दोस्तों कि बेलपत्र के नीचे दीपक कब लगाना चाहिए। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप शाम को घी का दीपक जला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शाम के वक्त आप घी का दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेलपत्र की पूजा कैसे करें? तो बेल वृक्ष की पूजा बहुत आसान तरीके से होती है। बेल वृक्ष की पूजा आप शाम के समय सिर्फ घी का दीपक जला करके कर सकती हैं, धूपबत्ती दिखा सकती हैं, बस दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बेलपत्र घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र को घर के बाहर वाले एरिया में आप लगा सकते हैं, और अगर आप बालकनी में भी लगाना चाहें तो पेड़ ना होने दें, छोटा करके इसे आप अवश्य स्थान दें। ये बहुत ही शुभ फलदायी पौधा होता है। उसके बाद है दोस्तों कि बेलपत्र का पौधा किस दिन लगाना चाहिए, बेलपत्र का पेड़ कब लगाना चाहिए। तो दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है और बेलपत्र भगवान शिव का अति प्रिय माना गया है, तो इसीलिए बेलपत्र का पौधा आप सोमवार के दिन लगाना अति शुभ होता है। तो आप सोमवार के दिन इस पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र के पेड़ का क्या महत्व है? जिस प्रकार तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है, दोस्तों इसी प्रकार बेल का पेड़ भी पूजनीय माना जाता है। कुछ धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बेल के पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई है, इसलिए बेल पत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। जैसे तुलसी पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, वैसे ही बेल के पेड़ में माता पार्वती का वास होता है। कुछ धार्मिक शास्त्रों के अनुसार बेल के पेड़ की जड़ में ब्रह्मा जी तथा बेल के पेड़ के मध्य में भगवान विष्णु तथा बेल पेड़ के शिखर के ऊपर भगवान शिव का वास माना जाता है। बेल के पेड़ में माता पार्वती, भगवान शिव, ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु वास करते हैं। बेल के पेड़ को घर में लगाना शुभ माना जाता है तथा इसे रोजाना दर्शन से बड़ी बड़ी तीर्थ यात्रा करने की अनुभूति होती है। बेल पेड़ को छूने से भगवान शिव का स्पर्श करने की अनुभूति होती है। बेल पेड़ के घी से दीपक से पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से तथा रोजाना दर्शन करने से हमारे कष्टों का निवारण होता है। घर में बेल का पेड़ लगाकर पूजा अर्चना करने से धन की भी प्राप्ति होती है तथा सभी दुखों से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों कि बेल का पेड़ घर के किस दिशा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बेल का पेड़ घर के उत्तर पश्चिम दिशा या फिर उत्तर या फिर पश्चिम या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही शुभ है। बेलपत्र तोड़ने का नियम, दोस्तों कुछ लोग बेलपत्र बिना किसी बात का ध्यान रखे तोड़ लेते हैं, लेकिन बेलपत्र तोड़ने के भी कुछ नियम हैं। तो वो नियम
क्या है कि जब भी आप बेलपत्र तोड़ें, टहनी नहीं तोड़ें, सिर्फ पत्तियां ही तोड़ें। बेलपत्र तोड़ते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए हमें बेलपत्र को तोड़ना चाहिए। अष्टमी, चतुर्थी, सोमवार तथा अमावस्या के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित है। इन दिनों में आप बेलपत्र को न तोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। जिस दिन आपको बेलपत्र चढ़ाना है दोस्तों, हमेशा उसके एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ करके घर में ले आएं। और दो बेलपत्र कभी भी दोस्तों बासा नहीं होता है, उस पर आप जल छिड़क करके उसे 3-4 दिन भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो के माध्यम से कि बेलपत्र के नीचे हमें दीपक लगाना चाहिए, बेलपत्र की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें इसे कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, इन सारी जानकारियाँ आपको मिल गई है। और अगर आपको आज का वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।